ठीक है सावरा में फाइनल में कितने लोग गए हुए अभी तक एक नजर आ रहा है ज्यादा जितने 30+ भी गाड़ी गए हुए। देखिए वहां पर एक तमाशा रचा गया, परसों मैंने अखबार में देखा था, जो मुझे छोड़ा गया परसों 13 तारीख को सुबह 10 बजे, कि वहां पर एक राइफल AK-47 और 3 रिवॉल्वर लेके चले गए। 4 घंटे बाद बरामद हो गए, 4 घंटे बाद में बरामद हो गए। एक अभी तक गायब है और जिससे गायब है उससे सारे हमारे समाज के लोग गायब हो रहे हैं। वो अपने ही समाज वालों पर दबा दब गोलियां ठोक रहा है। क्या तमाशा है, क्या नाटक है, ये क्यों इस तरह से भड़काना चाहते हैं? क्या इस तरह से ये समझाना चाहते हैं कि पुलिस का रिवॉल्वर इतना चलता है जिसके जैसे जो वो निकाल के भाग लो और अपने ही आदमियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दो? ये तो उस दिन प्रशासन को भी मैंने सावचेत किया था, सारा कुछ आनंद बाल का मामला खाकी वर्दी से, जैसे लाल कपड़े को देख के सांड भड़कता है, वैसे खाकी वर्दी अपनी सावचेती में रहे। एक अकेला DYSP वहां पर झिल गया जिसके साथ में इस तरह की वारदात हो गई, बाकी सारा नाटक है। पहले तो ये बता दी था कि SP वहां पर आदमी है या औरत है, जिसमें SP के साथ में आपने गलती करी, मैंने कहा नहीं वो IG है। फिर पता लगा कि एक IPS अंडर ट्रेनिंग लेडी है, मैंने कहा वो वहां मौका है वारदात पर कहीं 2 किलोमीटर तक मौजूद नहीं थी। कोई बदतमीजी नहीं है वहां पर, कोई आग नहीं लगा रहा था, आग लग चुकी थी और अकेला मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं उसका। जिन मकानों में आग लगी थी उनकी वीडियो है मेरे पास, और जहां पर लोगों से मारपीट हुई थी वहां पर आग नहीं लगी थी, वहां पर पुलिस की हिम्मत नहीं थी। वहां कितने लोग थे? अब अगर प्रशासन की माने तो 12,000 थे, 12,000 के खिलाफ में मुकदमा है। अगर गृहमंत्री की माने तो 50,000 थे, और अगर कोई कम बड़ी मार देता है तो शायद लाख खान थे। जहाँ का सवाल आप पूछ रहे हैं उसकी मेरे पास में वीडियो है, वहां पर एकमात्र उस प्लेटफॉर्म पर मैं चल रहा था, ताकि कहीं पर जो मुझे बताया गया था प्रशासन के द्वारा कि साहब वहां पर जिंदा जलाया जा रहा है, मैंने कहा अगर मेरे को जगह दो, क्योंकि 3 किलोमीटर दूर पुलिस ने रास्ते ब्लॉक कर दिए, मैंने कहा अगर मेरे को जगह दो तो मैं प्रयास कर सकता हूँ। और प्रयास क्या, वहां कोई था ही नहीं। SP साहब तो आपकी गाड़ी में थे वहां पर, इसलिए वहां पर जो DYSP के साथ में जो मारपीट हुई जब लौट रही थी, उनके साथ में 2 लेडी कांस्टेबल थे जिनको गाड़ी के नीचे घुसने के लिए कहा, बच्चों ने आप गाड़ी के नीचे घुस जाइए, और उनके साथ में कुछ थोड़े बहुत कोई वाकया हुआ होगा। उसके अलावा तो एक उनके साथ में उनका गनमैन के साथ में तो कोई उसने शायद अपने को स्वयंभू राजपूत घोषित कर लिया, तो उसको रिलैक्स करा। एक जिसके थोड़ी सी ज्यादा लगी है जबड़े पे उनके लिए, जो माचारा उसके थोड़ी सी ज्यादा लगी, उसका जबड़ा लगी है। नहीं वहाँ खड़ा था ही नहीं, जीआरपी खड़ा था ही नहीं वहाँ पर, 3 जने हैं जीआरपी, वहाँ जीआरपी के 3 जने। रणजीत सिंह जी का नाम रखा है उसमें, रणजीत सिंह जी तो वार्ता में थे, रणजीत सिंह जी कहते हैं वो भी वो वार्ता में बैठे थे, वो तो केजी साहब के साथ, उनका भी नाम लिख दिया। तो एक दोनों लेटर आपस में जाने थे, एक माँ की तरफ से और एक सरकार की। जी 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 लोगों को विश्वास उठ गया। ये 3 बजे शुरू हुआ था काम, ये काम 3 बजे शुरू हुआ था, फिर ये हुआ कि साहब यहाँ पर थोड़े उग्र हो सकते हैं, तो उसकी बच्ची को बुलाया गया, बच्ची ने प्रार्थना करी साहब हो रहा है सब कुछ ठीक है लाइफ में, आप शांति रखो। उसने छोटी बच्ची ने योगिता ने खुद स्टेटमेंट दिए हैं, मतलब उसके पास भी सूचना पहुंच गई थी कि हमें भी 4 लाइन लिखनी है, दाह संस्कार कब हो
और सरकार की तरफ से भी चार लाइन आ रही है। दोनों तरफ से इस तरह की लिखापढ़ी का विश्वास दिलाया गया था, और अब उसके बाद में कह रहे हैं कि साहब हमें तो पता नहीं है, हम ऐसा कैसे करेंगे। आगम सर, झूठ फैलाया गया कि चार लोगों को जलाया जा रहा है वहां। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को तो आप मेरे पास, मैं तो कह रहा हूँ मैं आपको वीडियो दे दूंगा इस बारे में, क्योंकि वहां एकमात्र मैं था, मेरे दो ड्राइवर थे और उनके अलावा लगभग लगभग बच्चे लोग जा चुके थे वहां से, और सारे गेट जहां पर तीन मकानों में थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी वो तीनों गेट मैंने खुलवाए, देखे अंदर कोई नहीं है। वहां पर जहां आग नहीं लगी हुई थी वहां एक जरूर आदमी था जिसको मैं उठाकर पुलिस के पास में ले गया हूँ। मेरा जो प्रदेश अध्यक्ष है महिपाल सिंह, जिन दो बच्चों के गोलियां लगी वो उनके पास को मोटरसाइकिल पर उठा के ले गए, जो बच गया महेंद्र नाम का, जिसकी तबीयत ज्यादा खराब थी, जिनमें से एक महेंद्र नाम का बच्चा एक मोटरसाइकिल पर, दो खुद मेरा प्रदेश अध्यक्ष महिपाल सिंह वहां उनको उठा के लाया गोलियों से। थाना ही नहीं ना, तो तीन पुलिस वाले थे ही नहीं, इस चौकी किसकी थी, तीन पुलिस वाले जिसमें एक की ड्यूटी थी और दो उस दिन स्पेसिफाइड लगाए गए थे। इतना ही स्टेशन है, सिर्फ एक ट्रेन लोकल सुबह रुकती है, एक ट्रेन वापस जाते समय शाम को रुकती है। जिसमें 5-7 हजार लोग तो डीबाना मेड़ता से और ट्रेन से उतरे थे, और उतरे थे तब सावरात से लेकर मंच तक एक बराबर लाइन थी, वो तो वहां पर उस समय भी तो हो सकता था। देखिए मैं अफवाहों पे ध्यान नहीं देता हूँ, मैं उस बात पर बोल भी नहीं सकता हूँ। लगभग लगभग 156 लोगों की मेरे पास लिस्ट है, और अब जो 151 में छोड़े जा सकते थे जो अब गिरफ्तार है उनके खिलाफ ये सारे मुकदमे उड़ाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हमारे वार्ताकार तोग सिंह जो यहाँ पर रवाना हो रहे थे उनको रोक लिया गया, नहीं करें। सर, नहीं नहीं, किसी से कोई वार्ता नहीं चल रही है, किसी से कोई वार्ता नहीं चल रही है। वार्ता करने की हैसियत उनकी है नहीं, इसलिए अब वो कहीं मतलब इस चीज को किस तरह से दबाया जाए इसका एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। आंदोलनकारियों को कैसे धमकाया जाए, रोज की रोज क्या काम है यहाँ पर, एक मैं ही हूँ, अगर मेरे को फोन करे तो मैं चला जाऊंगा, रोज कहाँ झगड़ता हूँ पुलिस से, अब जल भी दूंगा, अब नहीं करेगी इस तरह का काम। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, ये दिया।